आप सब जानते ही हैं कि आजकल कोरियन वेव चल रहा है, के पॉप, के म्यूज़िक, के ड्रामा, के सीरीज़, नेटफ्लिक्स, इन सब में जो पोर्सलिन स्किन दिखाई जाती है, स्पेशली BTS, ब्लैक पिंक और नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज़ में जो मॉडल्स दिखाई जाते हैं उनके जो चेहरे होते हैं लिटरली पोर्सलिन स्किन और ग्लास स्किन, उससे पूरी दुनिया ही के ब्यूटी के दीवानी हो चुकी है। एवरीवन वांट्स टू नो कि के ब्यूटी में ऐसा क्या होता है जिनसे उनकी स्किन इतनी ग्लास लाइक रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट कोरियन स्किन केयर रेजिमेन। कोरियन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन, दे स्टार्ट रियली अर्ली। वो अपनी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। सो दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की फैक्टर इन कोरियन स्किन केयर। हमारे जैसे नहीं, हमें 10 दिन में पिंपल्स जाने होते हैं, 15 दिन में गोरा होना होता है, 5-10 दिन कोई क्रीम लगा के हमें लगता है कि कोई मैजिक हो जाएगा चेहरे के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। 55% ऑफ कोरियन पीपल आर हैविंग सेंसिटिव स्किन, इसलिए उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कोरियन प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। दे यूज़ मोर ऑफ द यूनिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस वाटर, स्नेल म्यूसिन, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट्स एक्सेट्रा इन देयर स्किन केयर। वो जनरली केमिकल्स से काफ़ी दूर रहते हैं। प्लस कोरियंस कंसिस्टेंसी के साथ प्रिवेंशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपनी स्किन केयर बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, साइंस ऑफ एजिंग दिखने के पहले ही उनके एंटी एजिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं अब बात करने वाली हूँ दी फेमस 10-स्टेप कोरियन स्किन केयर रेजिमेन, जो अब वो लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और जिसके कारण उनकी स्किन ग्लास जैसी और पोर्सलिन जैसी दिखती है। दोस्तों, कोरियंस अपनी स्किन के क्लेंजिंग पे विशेष ध्यान देते हैं। क्लेंजिंग फर्स्ट 2 स्टेप्स में की जाती है। फर्स्ट इज़ ऑयल क्लेंजिंग। ऑयल क्लेंजर्स यूज़ होते हैं कि आपके चेहरे पे जो भी मेकअप लगा है उसको निकालने के लिए, उसको फॉलो करते हैं वो सेकेंड स्टेप में फोम क्लेंजर के साथ। फोम क्लेंजर क्या करेगा, तो आपके स्किन के पोर्स में जो भी डर्ट फंसा हुआ है उसको वो कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। थर्ड स्टेप आती है अबाउट एक्सफोलिएशन। तो दोस्तों, हफ्ते में 2 बार अगर एक्सफोलिएशन करो, अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे स्क्रब यूज़ कर रहे हो, और हफ्ते में 1 बार आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर रहे हो जैसे कि लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और मैंडेलिक एसिड। फोर्थ स्टेप आती है अबाउट टोनर्स। टोनर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोरियन स्किन केयर। जो टोनर्स होते हैं वो अल्कोहल फ्री होते हैं। टोनर्स स्किन के पोर्स को, साइज़ को कम नहीं करते दोस्तों। तो टोनर्स क्या करेंगे, आपके स्किन का जो pH है उसका बैलेंस रखेंगे। क्योंकि आप जब क्लेंजिंग करते हो तब आपके स्किन का pH टूवर्ड्स बेसिक चला जाता है, तो उसको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टोनर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द pH ऑफ योर स्किन। फिफ्थ स्टेप आता है इन कोरियन स्किन केयर अबाउट द इसेंस। ओके, इसेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन देयर मॉइस्चराइजेशन। ओके, इसेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत पतला और लाइट वेट होता है, तो उससे स्किन की हाइड्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है। आफ्टर इसेंस दे फॉलो इट विद अ सीरम। सीरम दे चूज अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। सीरम के बाद आता है शीट मास्क। आप सब जानते ही है कि कोरियन शीट मास्क कितने सारे फेमस हो चुके हैं। मार्केट में आप जाओगे तो आपको रंग बिरंगी कोरियन शीट मास्क दिखेंगे। तो दे आर लोडेड विद द गुडनेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, विद विटामिन सी, आरब्यूटिन एक्सेट्रा। देन कम्स अंडर आई क्रीम्स। अंडर आई की जो स्किन होती है वो हमारी नॉर्मल स्किन से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, तो उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। सो कोरियंस ऑलवेज यूज़ अ डिफरेंट अंडर आई क्रीम फॉर द अंडर आई रिजुविनेटिंग एरिया। उसके बाद आता है आपका मॉइस्चराइजर। सो दोस्तों, स्किन चाहे ऑयली हो या फिर आपकी ड्राई हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना कंपलसरी होता है। मॉइस्चराइजर्स आजकल मिलते हैं फॉर ऑयली स्किन ऑल्सो, विच आर मोर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। एंड आपकी अगर स्किन ड्राई होती है तो आप थोड़े से थीकर क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर मॉइस्चराइजेशन द लास्ट स्टेप, दैट इज़ द 10th स्टेप, इज इन द मॉर्निंग टाइम दे फॉलो इट विद द सनस्क्रीन, दैट इज़ SPF। एट नाइट टाइम दे फॉलो इट विद नाइट क्रीम। तो दोस्तों, ये हो गया 10 स्टेप्स अबाउट द कोरियन स्किन केयर। कोरियंस लोग अपने स्किन केयर के अलावा अपने डाइट का भी विशेष ध्यान रखते हैं। उनके डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्ट्यूज, सूप्स, इन सब का सेवन वो अधिक करते हैं।
इन सब के अलावा वो स्किन केयर में अपनी ट्रीटमेंट्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हाइफू हो गया, MNRF हो गया, हाइड्राफेशियल्स हो गया, एक्सेट्रा। वो रेगुलरली अपने स्किन डॉक्टर को विजिट करके अपनी स्किन की देखभाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ कि हम कोरियन जैसी स्किन इंडिया में कैसे पा सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो टू अचीव अ कोरियन लाइक स्किन। ओके, तो उसमें आता है फर्स्ट स्टेप अबाउट द डाइट। ओके, तो आपके डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। ओके, द फ्रूट्स शुड बी कलरफुल फ्रूट्स लाइक पोमोग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया, स्पिनैच एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो उसके कारण आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इज़ योर स्लीप। ओके, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours की स्लीप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन कम्स वाटर। तो आपका वाटर इंटेक जो है 8 to 10 glasses ऑफ वाटर पर डे आइडियली मिनिमम होना चाहिए, सो दैट जो टॉक्सिन जमते हैं अपने बॉडी में वो फेंकने में मदद हो जाए। फोर्थ थिंग इज़ एक्सरसाइज। ओके, डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे सो दैट यू विल गेट स्वेट। आप जितना स्वेट करोगे उतनी आपकी स्किन जल्दी ग्लो करेगी। फिर आता है अल्कोहलिज्म। तो स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहलिज्म, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्टे अवे फ्रॉम लेट नाइट पार्टीज एज फार एज पॉसिबल। स्किन के अलावा हमें अपनी इंटरनल हेल्थ के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे कि अगर हमें B12 की डिफिशियंसी है, D3 की डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो इनके कारण भी स्किन पेल होना चालू हो जाती है, स्किन पे एक्ने आ जाते हैं, स्किन डल दिखती है। साथ में फीमेल्स में बहुत सारी बार PCOD या थायराइड की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनके कारण क्या होता है दोस्तों कि स्किन पे अनवांटेड हेयर आ जाना, पिंपल्स आ जाना, पिगमेंटेशन आ जाना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें स्किन केयर के साथ साथ इंटरनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, यू नो, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ दिस साइंस, देन उसकी डिफिशियंसीज के करेक्शन के लिए जो मेडिसिंस होती है उसके लिए आपके डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप कुछ विटामिन स्टार्ट कर सकते हैं विथ योर डॉक्टर सजेशन, लाइक विटामिन सी ओरली आप ले सकते हो, ग्लूटाथियोन आप ओरली ले सकते हो, लाइकोपीन आप ओरली ले सकते हो। तो ये सारे विटामिन जब आप इंटरनली लेते हो तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो आपके चेहरे पे डलनेस दिखने लगता है वो इन विटामिन्स के कारण काफ़ी कम होने लगता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाली हूँ कि हम इंडियन स्किन केयर कैसे कर सकते हैं ताकि हम भी कोरियन जैसी स्किन अचीव कर पाए। ओके, कोरियंस में तो वेरी इजी, दे आर फॉलोइंग दैट 10-step रूटीन कंसिस्टेंटली एंड दे आर अचीविंग दैट लुक। ओके, लेकिन हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन लेयरिंग अप द प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर। उससे क्या होगा कि एक्ने ब्रेकआउट्स होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एनवायरमेंट। ओके, तो हम सिंपली कैसे स्किन केयर फॉलो करें ताकि हम भी वैसे स्किन पा सकें। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है क्लेंजिंग। चूज़ द क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जैसे अगर आपका स्किन ड्राई होता है तो थोड़ा ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करो। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है देन यू गो फॉर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, डल है, देन यू कैन गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड और आर्ब्यूटिन बेस्ड और वाइटामिन सी बेस्ड क्लेंजर्स। ओके, सो क्लेंजर यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द क्लेंजिंग, इट इज़ फॉलोड बाय एक्सफोलिएशन एज द सेकेंड स्टेप। एक्सफोलिएशन भी आपको दोस्तों रोज़ नहीं करना है, रोज़ एक्सफोलिएट करोगे तो स्किन का बैरियर फंक्शन ही आप डैमेज कर दोगे, उससे स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। एक्सफोलिएशन करते वक्त अगर आप स्क्रबिंग यूज़ करें तो यूज़ इट ट्वाइस अ वीक, इफ़ यू आर यूजिंग अ केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ इट वंस इन अ वीक। और थर्ड स्टेप आपका आ जाता है टोनर का। टोनर शुड ऑलवेज बी नॉन अल्कोहलिक। ओके, अल्कोहल वाले टोनर्स आपकी स्किन के pH को भी ख़राब कर देंगे और आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव और डैमेज कर देंगे। फोर्थ स्टेप आता है अबाउट द अंडर आई सीरम्स और अंडर आई क्रीम्स। ओके, अंडर आईज की स्किन पतली होने के कारण उसके लिए और देखभाल की ज़रूरत होती है। देन इट इज़ फॉलोड बाय द सीरम्स। ओके, सीरम्स मार्केट में कई सारे हैं जैसे विटामिन सी सीरम, आर्ब्यूटिन सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, रेटिनॉल एक्सेट्रा। सो चूज़ द सीरम वाइजली अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। सीरम्स के बाद आता है मॉइस्चराइजर। वेदर द स्किन इज़ ड्राई और ऑयली देर आर मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल टू फॉर ईच स्किन टाइप, सो यू शुड फॉलो दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सनस्क्रीन इन द लास्ट। ओके, सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी इवन विन यू आर इनडोर्स। ऐसे नहीं कि आप बाहर जाते हो तो ही सनस्क्रीन आपको रिपीटेडली लगाना है। अगर आप घर में भी रहते हैं या ऑफिस के AC एनवायरमेंट में भी काम करते हो तो भी आपको सनस्क्रीन डेली लगाना ज़रूरी होता है।
कोरियन स्किन पाने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप देखोगे तो इंडिया में मैक्सिमम लोगों को एक्ने की परेशानी होती है, पिगमेंटेशन की परेशानी होती है, ओपन पोर्स होते हैं, एक्ने स्कार्स होते हैं। तो दोस्तों इन पे ग्लास लुक नहीं आ सकता। तो पहले तो आपको स्किन के जो डैमेज कर बैठे हैं उसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है देन क्यू स्विच लेज़र, केमिकल पीलिंग्स विल हेल्प यू आउट। अगर आपको एक्ने स्कार्स है देन कार्बन पील लेज़र या फिर केमिकल पील्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आर नेसेसरी फॉर दैट। अगर आपकी स्किन पे एजिंग साइंस आ रहे हैं तो हाइफू, MNRF एक्सेट्रा, दिस ट्रीटमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सो दोस्तों ये सारी ट्रीटमेंट्स करके आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ही याद रखनी है कि जो ऐसी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट मत करना स्किन से कि जो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ओके, मिराक्युलस रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। प्लस कंसिस्टेंसी इज़ द की इन दी स्किन केयर। आप जितना क्विकली चाहोगे रिजल्ट आना उतना ही चांसेस है कि आप फास्ट फेल्योर में चले जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की इन दी स्किन केयर अलॉन्ग विथ योर डाइट, along with the home care and the combination of clinical treatments, you can definitely achieve the skin which you desire. ये सारी treatments हमारे clinic Dr. Priyanka's Health and Glory Clinic में available है, जिसकी information आपको description में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया है तो इसको like ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप skin और hair के बारे में more informative videos देखना चाहते हो तो don't forget to subscribe to our channel. Thank you.